जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद शपथ के बाद पहली कैबिनेट बाहर करना, जब ये निर्णय किया तो कैबिनेट का तो आमतौर पर वल्लभ भवन में बैठ के निर्णय करते हैं। देश आजाद हो गया, देश की आजादी के बाद अगर हमारे उन सारे अमर सेनानियों को याद नहीं करेंगे जिन्होंने हथेली में रखकर अपने प्राण दे दिए, तो हमारी सरकार का बनना बेकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रानी अवंतीबाई के नाम पर हमने कैबिनेट करने का प्रयास किया, रानी दुर्गावती के नाम पर पहली कैबिनेट उनको समर्पित की, क्योंकि सुशासन के लिए, स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्थाओं के लिए, और हम जब कहते कि हमारे लिए अपने अमर सेनानियों को जीवन भर हमको स्मरण करना, तो सबसे बड़ा सम्मान कैबिनेट का होता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तब भी हमने एक निर्णय किया कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक शिक्षा नीति लाया, उस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे जितने भी सनातन धर्म पे गर्व करने वाले वो घटनाक्रम, वो सारे महापुरुष, वो हमारे सारे आदर्श, वो हमारे देवी देवता, वो सबको एक तरफ रखते हुए शिक्षा नीति में केवल किताबी ज्ञान देने का प्रयास किया, और किताबी ज्ञान के पीछे पीछे उन्हें प्रयास किया कि वो हम सब गुलामी की दास्तान से उनके चश्मे से देखे, वो जैसा सिखाए वैसे सीखे। थोड़ा समय अलग था, हम कमजोर थे, हमारे को वो मर्जिया जैसे घुमा सकते थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी अंग्रेजों के सामने छाती सीना ठोक करके लड़ने का निर्णय किया। ऐसे अमर बलिदानियों को याद रखने के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी लाने का मैंने उसी समय निर्णय किया था। आज से 3 साल पहले हमारे अपने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में वो सारे अमर सेनानियों को स्थान दिया, रानी अवंतीबाई, हृदय शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, जितने भी हमारे अपने टंट्या मामा, जिन जिन को अपमानित किया गया था, पता नहीं अंग्रेजों ने उनको क्या क्या कहा था, वो झूठे मुकदमे लगवाए, उनको डके तो पता नहीं क्या क्या कहा गया था। हमने कहा ये अंग्रेज का शासन काल था, ये वो उनके शासन में जो मर्जियां करे, लेकिन अब तो सरकार हमारी है और हमारी सरकार में ये यश हम क्यों नहीं दे सकते। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया कि नई शिक्षा नीति लागू करेंगे और ये गुलामी के सारे चिन्ह मिटाएंगे, और इस निर्णय के आधार पर हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति लागू होने में पूरे देश में सबसे पहले कहीं नई शिक्षा नीति लागू हुई तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर हुई, मुझे इस बात का गर्व और गौरव है।